Pariksha. जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई, जाकर महाराज से विनय की, दीन बंधु, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने ना माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हों, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहां कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम को रोया करते थे, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं थी। रंगीन इमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता था। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने दिमाग और बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर अ 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा, सा और जा से उनके घरों में नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, हक्सले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्म निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत हो जाने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ने लगते थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम न था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इनमें हंस कहां छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरे खाने लगी।
रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार है। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग दम ले रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पटियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती थी तो कुछ दूर जा फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी न सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए हुए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी नजर गाड़ी पर पड़ गई, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही ज्ञात हो गया कि उसे उसकी सहायता की जरूरत है। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को धकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था। वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाशय, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर आवाज में कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसको तीव्र दृष्टि से देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलते हैं। निदान महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम
आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या का समय था, राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज कर दरबार में आ बिराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वो जो उदार हो, आत्मबल वो जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है, उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा।